दो दिन पहले इसको देखे थे लेकिन तोड़ने का हिम्मत नहीं था आज पूछ के जाके तोड़ा है अमरुद, तो बचपना वाला याद आ गया आज, तो सोचे आप इतना सारा अमरुद बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एकदम बिल्कुल एकदम पेड़ से टूटा हुआ, इसका भाई अलग ही स्वाद है इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से हमारे एक नए से ब्लॉग में। तो आज देख सकते हैं अमरुद ही पूरा आज पूरा गांव वाला याद आ गया। तो बगल में ही एक घर है जहाँ से हम लोग आज बहुत सारा अमरुद तोड़ के लाए हैं। बारिश का मौसम था, बारिश जैसे ही हुआ तो बहुत ज़्यादा ही पक गया था। दो दिन पहले इसको देखे थे लेकिन तोड़ने का हिम्मत नहीं था आज पूछ के जाके तोड़ा है अमरुद, तो बचपना वाला याद आ गया आज, तो सोचे आप लोग के साथ वो थोड़ा किस्सा शेयर कर दें। तो मैं जिसमें कि मेरा थोड़ा सा हाथ भी पूरा कट गया था, और बचपन में मेरे घर के पास में एक अमरुद का पेड़ हुआ करता था, तो वो उस पर चढ़ के तोड़ने के लिए गए थे। कहता है नू चार कुछ, वो कौन सा कहावत है रे, वो बोला कहावत सच में हम गिर गए थे, ये हाथ में कांटी आर पार हो गया था, इसमें ये कांटे आर पार हो गया था, उसमें लाडो प्यू भी ऐसा होंगे। हाँ हाँ अच्छा, चल पीओ को ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे, दादी से पूछना पड़ेगा आपका बचपन का। तो अभी अचानक बगल में का अमरुद का पेड़ है पास में ही, तो शहर है भाई, यहाँ पे तो डर लगता है किसी के घर, गांव में तो होता है क्या कि गांव चाचा बाबा दादा होते हैं, सबको बोल बोल के तोड़ लिया जाता है, तो यहाँ पे जाने में बहुत थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के तो बहुत सारा अमरुद और इधर टुकुर ले कर बहुत सारा अमरुद आज तोड़े हैं, सब डालो उसमें डालो ना, तो बहुत सारा अमरूद आज तोड़े हैं और जाके पास में, तो इसको सोचा आप लोग के साथ थोड़ा दिखा दें। तो ये सब बचपना का चीज़ है, सब पहले तोड़ा जाता है, ये सब रहा अब कहीं, अब तो सब मोबाइल वाला जमाना आ गया है, सबके पास अपना अपना जाते भाई पैसा हो गया वाला हो गया, सब जाके अपना खरीद के किलो खा लेगा, लेकिन जो खुशी ये चीज़ यहाँ ये तोड़ के और पेड़ से तोड़ के खाने में, वो अभी देख सकते इसमें पत्ता, इसमें इसका पत्ता लगा हुआ है, ऐसा कहीं मिलेगा आपको, कहीं आपको मिलेगा ऐसा इस तरह का अमरुद मिलेगा, मिलावट मिलेगा सुई पर तैयार किया हुआ, लेकिन जो पेड़ का ओरिजिनल होता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये टुकू सब सबको फेंक दे रहा है टोटल को, अरे रुको ना देते हैं काट, रुको ना सबको काटो, काट के देख सकते हैं, देख रहे हैं डंटी लगा लिया अभी तक, टुकू खाएगा बैठ के, वो तो पहले ही तैयार हो गया है निकाल के खाने के लिए, है ना, तो चलो ना इसको तो का हाँ टुकू, ये सब टुकू का फिर जमाना में होगा, मेरा तो अब समझ चला गया कि वो बचपना वाला जो कि अब किसी के घर पे जाके, लेकिन बहुत दिनों के बाद सोचे कि चलो आज थोड़ा कुछ करते हैं तूफानी, हाँ चलो ना भाई, चलो ना खाते हैं, ले जा पापा तो मस्त आराम से काटिए। तो अभी दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़बरदस्त वाला बारिश हुआ था, तो प्लेट लो ना एक और नमक, थोड़ा इसमें काला नमक लो, हल्का हल्का इसमें जो है ना अथी वाला वो मिर्च पाउडर था ना, वो मिर्च ले आए हैं चाकू काटने के लिए, और इसको मस्त अभी काटेंगे और मस्त इसको बना के खाया जाएगा। दोस्तों इसको काटते हैं, इतना सारा अमरूद है देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 चलो हाँ एक छः लाओ वो भी लो, और ये आ गया 6। तो इतना सारा अमरुद बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एकदम बिल्कुल एकदम पेड़ से टूटा हुआ, इसका भाई अलग ही स्वाद है इसको एकदम। वैसे अमरुद ज़्यादा बचपन में खाते तो उतना पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो थोड़ा सर्दी खांसी होने का डर लगता है, इसलिए वो उतना नहीं खाते। तो इसको काटते हैं ऐसे मस्त, धो दिए दोस्तों, ऐसा नहीं है धो के ऐसे करो, ऐसे में हल्का सा नमक आ गया भाई, नमक आ गया, हाँ चलो ये रहा नमक बेटा, रुको दे रहे रुको ना इसको ऐसे कीजिए और ऐसे नमक लगाइए, एक नंबर, बस और बाँट चीट के खाइए, पहले बच्चा लोग लोडो टोको लो, ऐसे मम्मी अभी थोड़ा काम कर रही है किचन में, तो उसके लिए अलग से रख देंगे,
क्या ये पीओ के लिए टेस्ट करते कैसा है। जोरदार जबरदस्त जनाबाद, बचपना याद आ गया। सेम टेस्ट यही रहता है गांव घर का, जो पेड़ होता है ना आम अमरूद का, उसका टेस्ट अलग ही मिलेगा आपको, मार्केट में बहुत कम मिलेगा उस तरह का। पता नहीं ऐसा क्या है, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। ये एकदम बिल्कुल टेस्ट लग रहा है कि घर वाला टेस्ट हो, मतलब गांव घर का वाला पेड़ का ये अमरूद हो। बचपन में बहुत मार खाते थे इस चीज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपका भी देख के ये बचपना याद आ गया होगा और देख के मुंह में पानी आ गया होगा। तो बाकी अगर जो आप लोग गांव से हैं तो गांव में से तो आपको अभी बरसात के मौसम आपको मिल ही जाएगा अमरूद। अगर आप शहर से हैं तो भाई 100 रुपया किलो के लगभग अभी मिल रहा होगा, शायद 70-80 रुपया से कम नहीं होगा अमरूद। तो जाइए खरीदिए और मस्त एकदम खाइए, बरसात के मौसम में बेस्ट है खाने के। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।